आखिरकार लगभग पौने 5 वर्ष के इंतजार के बाद बुधवार 19 जुलाई से टिकरी फ्लाईओवर को गिराने की शुरुआत हो गई। महामेट्रो की तरफ से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे शहर के सुप्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो सकती हैं। इसी के चलते गणेश टेकड़ी मंदिर ट्रस्ट की ओर से कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हम सबको पता है कि लोहा पुल से जो रेलवे स्टेशन वाला जो पुलिया है वो गिराने की प्रक्रिया जो है ढहाने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 19 तारीख से वो जो शुरू होने वाली थी आज से वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर शहर का सुप्रसिद्ध गणेश टेकड़ी मंदिर है, वहाँ जो है भक्तों की श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है, जिससे जो भक्तों के आने और श्रद्धालुओं के आने जाने में बाधा हो सकती है। शॉप नंबर 52 तक जो है पहले फेज में जो है ये पुलिया ढहाने का काम शुरू किया जा रहा है, और उसी के तर्ज पर आज हम आए हैं गणेश टेकड़ी मंदिर यहाँ के जो ट्रस्टी हैं उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो अपने भक्तों को अपील कर रहे हैं, जिस तरह से ये कार्य शुरू होने वाला है, भक्त जो श्रद्धालु आने वाले हैं मंदिर में उन्हें जो है यातायात के लिए आने जाने के लिए जो है समस्या आ सकती है, क्या उनकी ओर से दिशा निर्देश जो है अपने श्रद्धालुओं को दिए जाएंगे, हम उनसे जानते हैं। चलिए मेरे साथ। आशीर्वाद उत्तमराव पाटील, दर्शनासाठी नियमित लहानपणापासून इथे येतो आहे आणि ट्रॅफिकचं नियोजन आणि ट्रॅफिकमुळे जो त्रास होतो भक्तांना, आणि आता तर हा पूल तोडला जात आहे असं कळतं आहे, तर हा पूल तोडल्यानंतर कदाचित नवीन सुविधेनुसार कदाचित चांगलं होईल, काही दिवसासाठी त्रास होईल, परंतु हे नियोजनबद्ध जर झालं, नागपुरात ही समस्या मॅक्झिमम लेवलवर आम्ही आता अनुभवतो आहे की कामं सुरू आहे पण ट्रॅफिकचं नियोजन फार शून्य आहे। मला एवढंच म्हणायचं आहे की थोडं भक्तांकडेही म्हणजे लक्ष देऊन आणि त्यांच्या सुविधेकडे लक्ष देऊन आणि तात्पुरती चांगल्यात चांगली व्यवस्था करण्याचा पर्यायी व्यवस्था करण्यात यावी, असंच मला या अनुषंगाने नागपूर तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून प्रशासनापर्यंत किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवाविषयी वाटली म्हणून आपल्याशी बोललो। धन्यवाद। रेलवे स्टेशन से जो रोड आता है वो रोड वाला जो फ्लाईओवर है आखिरकार वो जो है उसे ढहाया जाएगा, और जो हम फिलहाल आपको बता दें कि गणपति टेकड़ी गणपति मंदिर जो नागपुर का सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ लोगों की आवाजाही रहती है, भक्तों की आवाजाही रहती है दर्शन के लिए। हम यहाँ के विश्वस्त जो है उनसे जानेंगे कि जिस दौरान ये काम शुरू रहेगा पुलिया का, गणेश टेकड़ी मंदिर के सेक्रेटरी हमारे साथ है और उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो अपने भक्तों को जो है अपील कर रहे हैं कि जब ये काम शुरू रहेगा तो किस तरह भक्त मतलब मंदिर में नहीं आ पाएंगे, उसके लिए जो है मंदिर ट्रस्ट की ओर से क्या उपाय योजना की गई है उनसे जानते हैं। मैं बताना चाहूँगा, मेट्रो से हमें पत्र प्राप्त हुआ, उसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि ये ब्रिज जो है फ्लाईओवर तोड़ने की प्रक्रिया लोहा पुल से शुरू होने वाली है। उसका मतलब है कि भक्तों ने जब भी उधर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी इधर रेलवे स्टेशन से आ जाना है और इधर ही चले जाना है, क्योंकि शॉप नंबर 52 ये जो है यहाँ तक तो पहला प्लान उनका तोड़ने का है, और तब उसके पहले ही गणेश मंदिर है तो वो लोग आ सकेंगे। आधा ब्रिज तोड़ने तक तो वो लोग इधर से दर्शन कर सकेंगे। तो हमने जाना कि शॉप नंबर 52 जो है वहाँ तक जो है कार्य पहली फेज में शुरू होने वाला है, तब तक तो भक्त जो है जो भी श्रद्धालु है मंदिर आ जा सकते हैं। उसके बाद जो है और भी योजनाएं बनेगी, उसकी भी इत्तला जो है मंदिर ट्रस्ट की ओर से अपने श्रद्धालुओं को की जाएगी। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।